है कि जिस फर्जी वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो फर्जी वीडियो शायद 11 तारीख का वीडियो है और वो एक डॉक्टर्ड वीडियो है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वीडियोज हैं, खुद टीवी चैनल्स ने वहां पर रिकॉर्डिंग की, खुद वहां पर जेएनयू के रजिस्ट्रार का स्टेटमेंट आया है कि यूनिवर्सिटी ने भी वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी पूरे इवेंट की। और अब जबकि बात इस स्टेज तक आ गई है कि हमारे कन्हैया कुमार जी अभी कह रहे थे कि मुझे कोर्ट से बेल मिली है, शायद उन्होंने ये बेल ऑर्डर ठीक से नहीं पढ़ा। पहली बात तो आपको बेल नहीं, इंटरिम बेल मिली है, दैट टू फॉर ओनली 6 मंथ्स। और अगर ये आप ऑर्डर पढ़ लेते थोड़ा सा तो मुझे लगता है आपको शर्म आती बहुत ज्यादा अपने आप पर, कि आपको जज साहिबा कह रही है कि इंफेक्शन की तरह ये डिजीज फैल रही है। और ये डिजीज क्या है? ये डिजीज है आप जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में अपेरेंटली पढ़ने आते हैं, लेकिन चंद प्रोफेसर्स की वजह से, जैसे उमर ने अपने भाषण में कहा कॉमरेड्स इन द फैकल्टी, वो जो कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जेएनयू में, और मैं बता रहा हूं उनकी संख्या बहुत कम है, अधिकतर जेएनयू के टीचर्स पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जिनका काम सिर्फ नक्सली, माओवादी, देश छोड़ने वाले, देशद्रोही, सेपरेटिस्टों को पैदा करना है, और आप जैसे लोग भी उनकी उपज हैं जो कि बातें कुछ और करते हैं और रियलिटी में कुछ और करते हैं। दूसरा, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जेएनयू के द्वारा बनाई गई, जिस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट, इस बात पे उनका उनको प्रॉब्लम है, उनको ये पता नहीं कि साबरमती ढाबे पे ज्वाइन कर लिया था या प्रोसेशन में ज्वाइन किया, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट एट दी स्पॉट। एंड ये सारे जो नारे हैं ये बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स के द्वारा भी लगाए गए, ये इंक्वायरी कमेटी का कहना है, ये एबीपी का कहना नहीं है। तो इसलिए आप देश को बरगलाना और झूठ बोलना बंद कीजिए।